औरंगाबाद ते संभाजीनगर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळामध्ये किंवा सरकारने मंजूर करून केंद्राकडे पाठवला। त्याआधी भारतीय जनता पक्षाचे प्रमुख लोक ज्या सत्तेमध्ये आहेत मंत्रिमंडळात आहेत ते मोठमोठ्याने गर्जना करत होते। मी डरकाळी हा शब्द वापरत नाही, गर्जना करत होते, हिम्मत असेल तर संभाजीनगर करून दाखवा। उद्धवजींनी तो निर्णय घेतल्यावर आज ह्यांना वेळ कशा करता हवाय, विचार करायला, भूमिका मांडायला। केंद्राने का रखडवून ठेवलाय संभाजीनगर, काय कारण काय? उस्मानाबादचं धाराशिव करण्याचा निर्णय सुद्धा उद्धवजींनी घेतला आणि औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेऊन सुद्धा तुम्ही अजून संभाजी राजांच्या नावानं त्या शहरावरती एक भूमिका घ्यायला तयार नाही। कोणाला घाबरताय? कोणते नियम, कोणता कायदा आडवा येतो आहे? केंद्रात तुमचं राज्य, महाराष्ट्रात तुमचं राज्य, यात भूमिका मांडण्यासारखं काय आहे? ठीक आहे, पाहू आम्ही। बोला सर, ये हिंदी में जानना चाहेंगे, जैसे केंद्र सरकार ने साफ साफ अब उस्मानाबाद नाम को लेकर क्लीन चिट दे, लेकिन औरंगाबाद नाम को लेकर अभी तक कोई बात ऐसी है भाई कि ये बीजेपी की जो नेता है ये ढोंगी है। ये ढोंगी लीडर्स है, वो ढोंग करते हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली में और महाराष्ट्र में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि आप औरंगाबाद का संभाजीनगर क्यों नहीं कर रहे हो छत्रपति संभाजी राजा के नाम पर। उद्धव जी ने ये निर्णय लिया, कैबिनेट ने मंजूर किया, विधानसभा का भी निर्णय है और केंद्र सरकार के पास भेज दिया। तो आप अब तक अभी की सरकार जो उस वक्त चिल्लाने वाले थे उसके ऊपर भूमिका नहीं स्पष्ट कर पा रहे। केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, उनकी सरकार है, वहाँ से निर्णय नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा है ढोंगी है, इलाहाबाद का नाम बदल दिया और भी बहुत से शहरों का नाम बदल दिया, लेकिन जब संभाजीनगर का विचार आता है तब बस जब सत्ता में नहीं होते तो कर लो अपनी हिम्मत, हमने करके दिखाया। तो अब ये लोगों में हिम्मत नहीं है करने की, करके दिखाइए। सर त्रिपुरा में आज चुनाव है, हमने देखा काफ़ी जोरों से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता ने चुनाव किया था, अब आज चुनाव है, किस तरह से देखा? नहीं देखिए, त्रिपुरा में चुनाव है, त्रिपुरा में जाकर अमित शाह जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, उड़ाई है। हाँ, मोदी जी रेवड़ी संस्कृति के खिलाफ थे लेकिन त्रिपुरा में तो सबसे ज़्यादा रेवड़ियाँ बांटी है। आप देखेंगे वहाँ की जनता क्या करती है, देख लेंगे। बड़ी बड़ी बातें हमने वहाँ सुन ली है लेकिन मुझे विश्वास है त्रिपुरा की जनता सोच समझ कर निर्णय लेगी। सर अपोजिशन में असम में ज्योतिर्लिंग को लेके सरकार ने, वहाँ की सरकार ने एडवर्टाइजमेंट छापा था, हालांकि महाराष्ट्र में पुणे में सब जानते हैं कि पुणे में यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, किस तरह से देख रहा है? पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को मालूम है, फिर भी असम के मुख्यमंत्री इस प्रकार के अगर विज्ञापन देते हैं, बात करते हैं, तो यहाँ की सरकार क्या आप कर रही है? यही मुख्यमंत्री असम के मेहमान बनकर बैठे थे ना उधर, अपने 40 खोखे वाले विधायक को लेकर उनकी मेहमान नवाजी तो असम के मुख्यमंत्री ने की थी जी। तो क्या उसके बदले में ज्योतिर्लिंग उनको दे दिया क्या? हाँ, उसके बदले में महाराष्ट्र का एक जो ज्योतिर्लिंग है वो असम को दे दिया। देखिए, भगवान सबका होता है, इस राज्य का, इस देश का नहीं होता है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन इस प्रकार से बात करना ठीक नहीं है और यहाँ की सरकार चुप बैठी है। सर महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री जो है वो वोरा कम्युनिटी से उस दिन मिले थे, तो अपोजिशन का सबसे बड़ा एलिगेशन जो है जो बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को तो वहाँ पे बुलाया गया था लेकिन उद्धव ठाकरे जी को ना बुलाने के बावजूद। ऐसा कोई बिन बुलाए मेहमान महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार के लिए नहीं होता है। ठाकरे परिवार महाराष्ट्र का नंबर वन परिवार है। सर जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ राउत सर एक क्वेश्चन, औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्यावरून आता संजय राऊत यांनी भाजप सरकारवर जोरदार निशाणा साधलेला आहे। औरंगाबादचं संभाजीनगर करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकार अर्थात उद्धव ठाकरेंनी घेतला, आता या सरकारला भूमिका मांडण्याला का वेळ लागतोय असा सवाल संजय राऊत